इंटरनेशनल लेबर डे है। आज के दिन को मजदूरों की स्ट्रगल सैक्रीफाइसेस को हम उतनाया करते हुए उस लोग का देश करते हुए इस डे की पैदा मजदूर किसान और जो लोग देश के लिए पसीना बहाने वाले देश के निर्माता वही तरक्की धूप में दुष्कर वक्त में जो लोग है वो अपने मुंह पसीना देते हैं। ये पंखा जरा बंद तो इसलिए उनकी कुर्बानियां देश के निर्माण में कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ी है। हालांकि इस सरकार ने तो लेबर कानून कमजोर कर दिए और लेबर का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन वो मौजूद किसी और दिन के लिए आज मैं अनिल जी को दरख्वास्त करूंगा वो आपको प्रसाद करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे को वहाँ पर अपने समक्ष बोलने के लिए बुलवाया। जिस टॉपिक पे या जिस मुद्दे पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, बड़ा ही इमोशनल सा, बड़ा संवेदनशील जो टॉपिक है, वो टॉपिक है कुर्बान। चार साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि हमारे शहीदों के बारे में कि ऐसी घटना दुर्घटना हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई आदि का पता चल पाए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताऊं, उस दिन इन 40 के अलावा और भी कुछ हुआ। ये 40 नौजवान को शहीद हुए, इनके साथ में शायद 40 बेवाएं भी हुई, इनके साथ में शायद 40 पेरेंट्स के बुढ़ापे की लाठी भी चली गई। और यकीन मानिए कई बच्चों के सर के ऊपर से उनके हाथ उठ गए। पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे, इन तीनों कैटेगरीज के कहीं ना कहीं दिमाग में, दिल में एक हिस्सा इनका भी उस दिन भरा है। अगर आज हम ये बता पाए कि ये दुर्घटना घटना हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तब हम जाके ये यकीन कर सकते हैं कि अगली बार से इस तरह की कोई दुर्घटना हमारे सैनिकों के साथ ना हो पाए। ये चीज भी समय के साथ धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बार बार इस चीज के लिए व्हाइट पेपर की डिमांड कर रही थी, लेकिन जब भूतपूर्व गवर्नर श्री सतपाल मलिक जी ने इस चीज को दोबारा से दोहराया और ये चीज उजागर की कि इस घटना का अंजाम जो दिया गया है उसमें सरकार की भूल चूक थी, तो ये चीज और मायने रखती है कि सत्यपाल मलिक साहब विपक्ष के नहीं है, वो पक्ष के थे, वो आज भी पक्ष के हैं। अगर वो इस चीज को कह रहे हैं कि इसमें सरकार से भूल चूक हुई है, स्लिप अप हुआ है इत्यादि इत्यादि, तो उसका मायने बहुत गहरा है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो डिमांड है, हमारी जो रिक्वेस्ट है, हम जो चीज बहुत ही संवेदनशील और इमोशनल होके सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो यही है कि
कि पुलवामा हादसे की इंक्वायरी का इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्या है। अगर इनपुट्स थे 10-11 इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास कि 300 किलो आरडीएक्स एक कार के अंदर 10-11 दिन से घूम रही है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर एक या दो इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से खबर आती है तो आप ये मान सकते हो कि शायद ये कोई फेक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, क्योंकि बाकी माध्यम से नहीं आई। लेकिन जब आपके पास 8-10-11 एजेंसीज डिफरेंट एजेंसीज से आती है तो ये चीज पुख्ता हो जाती है कि ये कॉर्पोरेटेड है, ये कंफर्म्ड खबर है, बिकॉज सोर्स एक नहीं है। और अगर इस चीज की खबर इन एजेंसीज में थी तो फिर कैसे हो गया कि जो आदिर रोड्स थी, जो पुलवामा सड़क पे मेन सड़क पे आके मिल रही थी, उन सड़कों का सैनिटाइजेशन क्यों नहीं हुआ, उन गाड़ियों को जो साइड से आके बाहर से आके मेन हाईवे पे मिल रही थी उनको चेक क्यों नहीं किया गया, अगर किया गया तो क्या चेक हुआ। ये तमाम चीज भूतपूर्व गवर्नर साहब ने उठाएंगे। आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष था जनरल शंकर भाई चौधरी साहब ने भी इस मुद्दे को उठाया। वो भी इस विषय को मानते हैं कि बिना भूचू के इतनी बड़ी घटना दुर्घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो मैं अपने इस मंच से, अपने माध्यम से, AICC के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट सरकार से करना चाहूंगा कि पुलवामा हमले में इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ, उस इन्वेस्टिगेशन से, उस खोज से क्या निकला, और अगर कुछ निकला है तो क्या अब जो सुरक्षा बल उधर है क्या उनको अपनी अपनी SOPs को अमेंड करने को, अपडेट करने के लिए क्या उन्होंने ऑर्डर पास किए हैं ताकि इस तरह के हादसे भविष्य में हमारे साथ, हमारे वीरों के साथ, हमारे सैनिकों के साथ, हमारे जो सिविलियन भाई बंधु जो सड़क पे चलते हैं उनके साथ ये ना होगा। थैंक यू सो मच।